आप सभी को जय मसीह की दोस्त हूँ। थैंक यीशु चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और नाम से स्वागत करता हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, ऐसी कोई बीमारी और दुख मुसीबत नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक ना हो सके। हर बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी बीमारी हो, केवल आपके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाएगी। बस आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है और भरोसा रखना है, और आपको धैर्य सबसे पहले जरूरी होता है। धैर्य रखना, विश्वास तो अलग बात है, लेकिन धैर्य रखना परमेश्वर पर बहुत जरूरी है। आज हम कुछ बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप बीमार हैं, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं, तो अपनी छाती पर हाथ रखें और अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय, अपना हाथ तो तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में पवित्र विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश दुख उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को पिता परमेश्वर जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और आज्ञा करता हूँ। पिता परमेश्वर आज्ञा देता हूँ। शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य अंग कारी रोग प्रार्थना के आग द्वारा तमाम बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा जला दीजिए। तमाम रोगाणु, विषाणु, बुखार, जुकाम, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर के कैंसर, फेफड़े के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। तमाम बीमारियों जैसे पेट के दर्द, सिर के दर्द और मानसिक तनाव से दूर हो। तमाम प्रकार के बीमारियों के साथ पिता आज उन्हें आजाद करें और वो उठें और चलने लगे, भागे और दौड़े। इस दुनिया में सबसे आगे रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर से दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। वो अच्छी तरीके से और देख सके पिता परमेश्वर, दृष्टि पाए परमेश्वर, और अच्छी तरीके से सुनने और बोलने पाए पिता परमेश्वर। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। और गूंगा बोलने लगे, दुर्घटनाओं के तमाम दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियों को पिता परमेश्वर आप अच्छी तरीके से ठीक कीजिए। जो भी इस मुसीबत से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। उस बहन के लिए, उस भाई के लिए केवल विश्वास रखे परमेश्वर पर, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। जलन से ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की नशे लतों से दूर करें पिता परमेश्वर। मृतक कोशिकाओं को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द ठीक करें पिता परमेश्वर। मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण पिता परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो मेरे बहनों को किसी प्रकार की समस्या हो रही है, उनके बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उनके लिए पिता परमेश्वर। आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर उन सभी बहनों के लिए। उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। किसी तरीके की भी कोई गलती हो पिता परमेश्वर, तो उन सबको आप आजाद दीजिए आज पिता परमेश्वर। उनके तरफ से, अपने भाई और बहनों की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ पिता परमेश्वर आपसे। उनको गर्भ धारण की आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आज्ञा देता हूँ, बुरी आत्मा और दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्माएं तमाम तरह के अंधकार में बल दूर हो पिता परमेश्वर। उन्हें ताकत दीजिए कि प्रार्थनाओं में पुकारे। उन्हें पापों से दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और भी पवित्र हो जाएं। उनके परिवारों के बीच सुसमाचार प्रचार किया जाए पिता परमेश्वर। उन्हें सुरक्षा कीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं से। अपने बच्चों को और घर को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सेवा से हर घर को मसीह आप सेवा में लाएं पिता परमेश्वर। हर एक मसीह और भाई और बहनों को पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई और बहनों को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। जो भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं, उनको आप सुरक्षित रखें अपने वचनों के माध्यम से, अपने परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से पिता परमेश्वर। और मैं
आपको आदर और महिमा और आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको आदर और महिमा देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर सबको आशीषित करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।